हाँ जी दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं, ये टाइटन की स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट 2, जो कि नई लॉन्च हुई है। और इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है, ये 1.78 लार्ज है। ये आपको एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ देख सकते हैं, ये क्लाउड वॉच फेस और आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मल्टी स्पोर्ट्स। और इसकी जो इनसाइड ऑफ पैकेट में क्या क्या मतलब अवेलेबल रहता है, जैसे कि वॉच है, वॉच के स्ट्रैप है, तो ये पूरा लिखी गई है यहाँ पर। जैसे देख सकते हैं, वॉच हेड कलर है ये रोज़ गोल्ड की, और आपके स्ट्रैप कलर ब्लैक, एलुमिनियम केस है स्ट्रैप, जो सिलिकॉन जो स्ट्रैप मटेरियल है वो सिलिकॉन है। और वॉच के जो डायमेंशन है, ये 50.42 7.12 mm, जो कि यहाँ देख सकते हैं आपकी 50 मतलब इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई 42, और इसकी थिकनेस 7.12 mm है। और इसकी जो ओवरऑल वेट है, ये देख सकते 39.4 ग्राम। और इसकी जो बैटरी है, ये 200 mAh बैटरी है। अब बैटरी बैकअप है, एक्टिविटी यूज़र 7 डेज, स्टैंडर्ड बाय 30 डेज। ये देखिए, वाटर रेजिस्टेंट 30 ATM, जो कि नॉर्मल वॉच में होता है, रिस्ट वॉच में ऐसे ही 30 ATM ही इसमें वाटर रेजिस्टेंट दिया। ब्लूटूथ जो वर्शन है ये 5.1 है। और इसमें जो सिस्टम जो है, जैसे कि ISO है, एंड्रॉयड में भी है, तो ISO आपकी 12.1 प्लस है, और एंड्रॉयड जो है आपकी 8.1 प्लस है। वह इसके इनसाइड ऑफ पैकेज में आपका क्या क्या रहता है, जैसे कि वॉच हेड, स्ट्रैप और चार्जिंग केबल, और वारंटी वारंटी कार्ड और मैनुअल वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, ये सब इनसाइड ऑफ पैकेट में मिलेगा। तो चलिए मैं आपको वॉच दिखाता हूँ और डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या इसका और बात बताओ तो। देख सकते, हाँ जी, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी वॉच है। ये देखिए, यहाँ साइड में एक पुश बटन भी दी गई है। ये हार्ट रीड की जो सिंबल जो आती है, जो कि रीड करने के लिए, ये यहाँ पे भी दी गई है। और बैक साइड में जो रहती है यूजुअली वो है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये दो जो पॉइंट है, ये चार्जिंग केबल, मतलब यहाँ पे आप चार्जिंग केबल देने से, ये कोई भी टॉप से आप अटैच करते हो तो ये आपकी ऑटोमेटिक देख सकते हैं, ये चार्ज होगी और केबल ऑटोमेटिक इसमें चिपक जाएगी, ताकि इसका साइज़ जो है चार्जर का, वो एकदम ऑटोमेटिक इसमें चिपक जाएगी। और इसकी जो है डिस्प्ले है, ये देख सकते हैं, जैसे आप ऊपर से स्क्रॉल करते हो, आप जब भी ऊपर से स्क्रॉल करते हो इसको, सॉरी, ऊपर से स्क्रॉल करते हो तो ये सब फंक्शन दिखेगा। जैसे आपके देख सकते हैं, नोटिफिकेशन, SMS अलर्ट, सेटिंग्स है, और इसमें फ़ोन फाइंडर भी है, ब्राइटनेस है, और पावर ऑफ भी कर सकते हो। और इसको अगर हम साइड से स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, माई फिटनेस में जैसे आपके स्टेप्स, कैलोरी, डिस्टेंस, ये सब शो कर रही है। और इसके बाद देख सकते हैं, हार्ट रेट मोनिटर भी इधर में, यह हार्ट रेट आएगी आपकी। और एक है स्लीप ट्रैकर, और ये वेदर अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आज जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, सैटरडे है, तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा आपका ये वेदर दिखेगा आपका यहाँ पे। और इसका जो फीचर्स है, आप ये देखिए, हाँ यहाँ देखिए, ये सारा ये ऑप्शंस आपको शो करेगी, जैसे कि माई फिटनेस, मैसेज, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिकॉर्डर, इसके बाद हार्ट रेट मोनिटर, ब्लड ऑक्सीजन, उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद है स्लीप, वेदर, माई साइकिल, ब्रेथ, म्यूजिक कंट्रोल, उसके बाद है फ़ोन फाइंडर, अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच, सेटिंग्स। तो अब सेटिंग्स में क्या क्या है, डिस्प्ले आप सेट कर सकते हो। सपोज़ डिस्प्ले में देखिए, वॉच फेस है, AOD क्लॉक है, ब्राइटनेस है, स्क्रीन टाइम आउट है। अभी स्क्रीन टाउन अभी बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था कि स्क्रीन जो है, जो टाइम आउट क्यों जल्दी हो जा रहा है, तो इसके लेके इशू आ रहा था। इसमें आप देख सकते हैं, एक अलग से ऑप्शन दी गई है, जो कि स्क्रीन टाइम आउट बोल के ही है। स्क्रीन टाइम आउट पर जब भी हम क्लिक करें, 10 सेकेंड्स, ये ऑटोमेटिक सेट हो गई आपकी। AOD क्लॉक जो है, आपकी देख सकते हैं, ये AOD क्लॉक जो है, इसमें डिजिटल क्लॉक भी कर सकते हैं, एनालॉग क्लॉक करते हैं, तो डिजिटल मेरा था, एनालॉग अगर क्लॉक करते हैं हम, तो ये शायद एनालॉग में आपका सेट हो जाएगी। तो अब देखिए, मैं एनालॉग में क्लिक कर दिया, ये एनालॉग क्लॉक हो गया। अभी ये एनालॉग कभी जैसे नॉर्मल वॉच होता है वैसा वॉच हो गया। अब डिजिटली चाहते हैं तो फिर से उस ऑप्शन में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे पहले कहाँ, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले जाएंगे,
एडीयू क्लॉक जाएंगे। अब इसके बाद डिजिटल क्लॉक करेंगे हम। अब ये डिजिटल पे सेट हो जाएगी क्योंकि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। जब आपकी मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है कि आपका जो स्क्रीन टाइम आउट हो जाने के बाद भी देखिएगा कि आपका ये जो टाइमिंग वगैरह दिखता रहता है, इसीलिए ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो इसमें आप देख सकते हैं एकदम हल्की सी, अभी कैमरा में दिख नहीं रही है उतनी क्लियर, अभी देख सकते हैं ये 3:17 PM ये दिख रही है अभी। आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें ना एक ऑप्शन आता है कि माई साइकिल बोल के। ये माई साइकिल क्या है, एक्चुअली ये वुमेंस के लिए होती है। जब भी इस वॉच को आप पेयर करेंगे, अगर किसी वुमेंस का फीमेल जब भी जेंडर डालिएगा, तो ये माई साइकिल जो ऑप्शन से ये ऐप में आपको दिखेगा। तो इस माई साइकिल को आइए मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या एक्चुअली फीचर्स है इसका। ये देखिए, प्लीज़ ऐड योर साइकिल डिटेल इन दी ऐप। एक्चुअली जब ये पीरियड ट्रैकर होता है कि सपोज अगर 26 का हो रहा है तो नेक्स्ट 28 डेज में या वन मंथ में जब भी नेक्स्ट होता है, तो आप इसको साइकिल अगर आप सेट करके रखिएगा तो ये जैसे दिखाता है कि जैसे अलार्म होता है ना, उस टाइप का ये होता है कि ये कब ख़त्म होने वाला है, और ये इंटीमेट करेगी कि इतनी दिन बाद आपकी पीरियड आने वाली है, ये आपको इंटीमेट करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वॉच कैसी लगी प्लीज़ हमको कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें। और ये बहुत ही अलग ये स्मार्ट वॉच है, स्क्वायर में फर्स्ट टाइम ये टाइटन लेके आई है। जितना भी था अभी तक स्मार्ट वॉच सारे राउंड में थी, ये फर्स्ट स्क्वायर वॉच है जो कि टाइटन के स्मार्ट वॉच है। और हाँ, और एक चीज़ है, देखते हैं इसका आपका बकल पे भी देख सकते हो, कैमरा में उतनी क्लियर दिख नहीं रही, इसमें टाइटन लिखी हुई है। और अभी इसकी जो बैक साइड में यहाँ भी आपका टाइटन जो है एम्बॉस्ड किया हुआ है, देख सकते हो आप लिखी हुई है। प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वॉच कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।